सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारे बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। दोस्तों हम देख रहे हैं कि सारा अंडे के मैटर पर जितने भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और अब से नहीं कई सालों से हो रहे हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट मूर्छित अवस्था में पड़ी है, लेकिन सहारा इंडिया के मैटर पर राज्य सरकारें सजग हैं, चौकस हैं और इस वक्त सहारा इंडिया के खिलाफ शिकंजा कसने पर तुली हैं, क्योंकि यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था सहारा इंडिया के निवेशकों द्वारा जो धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं उस पर शहरों की व्यवस्था बिगड़ रही है और उसका सारा दारोमदार सहारा इंडिया की ब्रांचों पर जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासनिक शिकंजा कसा जा रहा है। बड़ी अपडेट जो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए, ये 16 अक्टूबर 2022 यानी कि आज की और अभी की ताज़ा अपडेट है। अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सारा से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सहारा इंडिया परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया लेटेस्ट खबर। निवेशकों के आवेदन पर एक और FIR दर्ज कराने पर चल रही है तैयारी। रामगढ़ की ताज़ा अपडेट, सहारा इंडिया कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ रामगढ़ में एक और FIR दर्ज हो चुकी है, मगर अब तक कंपनी की ओर से निवेशकों को पैसे लौटाने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। यही वजह है कि जिला प्रशासन ने कंपनी के खिलाफ शिकंजा कसने का मन बना लिया है। अन्य निवेशकों से मिली आवेदनों पर भी FIR दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। आगे खबर है कि सहारा इंडिया कंपनी के नाम पर लोगों का इस्तेमाल करते हुए आम लोगों को अपने झांसे में लेते हुए सोसाइटी के माध्यम से निवेशकों के रूप में रकम जमा कराने और बाद में भुगतान करने से मुकरने वाले कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्त हो चुका है। लगातार पत्राचार करने के बाद भी कंपनी के अधिकारियों की ओर से कोई रिस्पांस नहीं दिया जाने और निवेशकों की राशि लौटाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जाने की स्थिति में पिछले दिनों रामगढ़ में पहली FIR दर्ज की जा चुकी है। इसके बाद भी कंपनी के निवेशकों के पैसे लौटाने की दिशा में कोई रुचि दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में अब जिला प्रशासन ने सहारा कंपनी के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में डिप्टी कलेक्टर चिटफंड कंपनी शाखा ने तहसीलदार को सहारा इंडिया कंपनी के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सहारा इंडिया के संस्थानों और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सहारा क्यू शॉप और सहारा स्टार और सहारा कमर्शियल इत्यादि में ज़िले के जमाकर्ताओं के विभिन्न जमा योजनाओं में करोड़ों रुपए जमा किए जाने और जमा राशि की परिपक्वता पूर्ण होने के बावजूद भी राशि का भुगतान नहीं किए जाने संबंधी आवेदन प्राप्त हुए हैं। कंपनी के शाखा प्रबंधक सेक्टर मैनेजर के विरुद्ध छंग के निक्षेपकों के हितों का आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 7(1)(2) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए सहारा इंडिया कंपनी के संबंधित विस्तृत जांच प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इस पत्र में 12 अक्टूबर को लिखा गया कि ऐसे में माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य शिकायतें आवेदनों में भी कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है। 2600 से अधिक मिले शिकायत जिला प्रशासन के अलावा सहारा इंडिया कंपनी के खैरसिया, धर्मजयगढ़ और सारंगगढ़ और सरिया, पुसोर, बर्नमकेला, तमनार, घरघोड़ा, इस तरह पूरे ज़िले में अपने फ्रेंचाइजी ऑफिस खोले हुए थे। जी हाँ दोस्तों, इतनी जगह पर यहाँ ये फ्रेंचाइजी ऑफिस खोले हुए थे और निवेशकों से पैसा जमा लिए थे। धोखाधड़ी की आशंका होने के बाद जिला प्रशासन को चिटफंड शाखा के माध्यम से ऐसे कुल 2326 शिकायतें आवेदन मिले हैं। इन्होंने कंपनी के विभिन्न स्कीमों में अपने पैसे जमा किए थे मगर अब भुगतान नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया का मैटर इस वक्त फुल जोरों पर है और हर जगह पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ती नज़र आ रही है। उसी के मद्देनज़र सभी ज़िलों की जो यहाँ पर हम आपके लिए न्यूज़ लेकर आते हैं उसमें यही दिखाया जाता है कि प्रशासन अधिकारी जो इस वक्त अपना शिकंजा सहारा की ब्रांचों पर कस रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि सहारा के निवेशकों को
पैसा मिलना बहुत अति शीघ्र मिल जाएगा, क्योंकि ये जो इस वक्त सभी राज्यों में प्रशासनिक कार्रवाइयां चल रही हैं, इसके चलते ये हमले छोटे छोटे जो इस वक्त हो रहे हैं सहारा की ब्रांचों पर, ये एक बड़ा धमाका करेंगे और इसके साथ निवेशकों को पैसा भी मिलना सुचारू हो जाएगा, क्योंकि जिला प्रशासन की जो इस वक्त व्यवस्था चल रही है उन व्यवस्था को देखते हुए सहारा के ब्रांचों को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि इनके धरने प्रदर्शन से प्रशासन व्यवस्था पर फर्क पड़ता है और इसीलिए इनकी ब्रांचों पर प्रशासन आदेश देता है कि या तो इनका भुगतान करो या अपनी ब्रांचों को बंद करके यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। तो दोस्तों ये थी सारे से जुड़ी आज की ताज़ा ताज़ा अपडेट। अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो में सभी दोस्तों में आग की तरह फैला दें ताकि सारे से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सब तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए वास खान को दें इजाज़त, धन्यवाद, जय जय भारत, साइन आ रहा।